गाइस हम आ गए हैं ग्लो गार्डन पार्क में। हाय गाइस, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुबई की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन। इसका नाम है दुबई गार्डन ग्लो पार्क। यहाँ पर आप देखेंगे डायनासोर पार्क, दुबई गार्डन ग्लो और आर्ट पार्क। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर, इसको एक्सप्लोर करते हैं और साथ में आपको भी दिखा देंगे क्या है इसके अंदर। लेट्स गो। सो गाइज, दुबई गार्डन ग्लो जो है वो दुबई की एक बहुत ही अमेजिंग और सुपर कूल अट्रैक्शन में से है और ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, विच लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। दिस वॉज अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू दुबई गार्डन ग्लो एंड वी रियली रियली लव्ड इट। और हम सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप एक बार दुबई गार्डन ग्लो ज़रूर जाएँ। ये इंस्टाग्राम पिक्चर्स एंड रील्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस है। हमारे घर से ये सिर्फ 5 मिनट के ड्राइव पर है और इसके एक टिकट के प्राइस की कॉस्ट में आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगे 4 डिफरेंट पार्क्स, जो कि है दुबई गार्डन ग्लो, डायनासोर पार्क, आर्ट पार्क और मैजिक पार्क। और हमने ये पार्क विजिट करा था मार्च एंड में, अराउंड 27-28 मार्च, और वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था। और अभी अप्रैल चल रहा है और अभी भी वेदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और गर्मी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। इस जगह का बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए बेस्ट टाइम है कि आप सनसेट से 1 घंटा पहले वहां पहुंचे। पहले जाएं डायनासोर पार्क, फिर ग्लो गार्डन और फिर मैजिक पार्क। और गाइस, ग्लो गार्डन पहुंचने का सबसे आसान तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। आप मेट्रो से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मेट्रो स्टेशन तक आ सकते हैं और मेट्रो स्टेशन 2 से आप डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हैं। 5 मिनट में आप ग्लो गार्डन पहुँच जाएंगे और टैक्सी का फेयर भी आपका 12-15 दिरहम आएगा। ग्लो गार्डन की टाइमिंग्स विंटर्स में 5 PM ऑनवर्ड्स होती हैं, 5 बजे से लेके 10-10:30 बजे तक, और समर्स में 6 PM ऑनवर्ड्स, बिकॉज सनसेट के बाद ही इस पार्क में जाने का मज़ा है, बिकॉज सारी चीज़ें पूरी लाइट अप हो जाती हैं और अंधेरा होने के बाद पूरा पार्क ऐसे जगमगा उठता है, इसीलिए इसका नाम गार्डन ग्लो है। तो इसको विजिट करने का बेस्ट टाइम जो है वो सनसेट के बाद ही है और विंटर्स में ये अराउंड 10-10:30 बजे तक बंद हो जाता है, बट समर्स में ये 11 बजे तक ओपन होता है ऑल डेज एक्सेप्ट सैटरडे। सैटरडे को ये रात को 12 बजे तक खुला होता है। आप एज अ कपल तो यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे ही करेंगे, बट अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो बच्चे तो ये देख के एकदम मेसमराइज हो जाएंगे। और यहाँ के सारे पार्क्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हम अराउंड 8-8:30 गए थे और हमने सोचा था कि 3 घंटे काफ़ी होंगे कंसिडरिंग कि हम एक पार्क में 1 घंटा स्पेंड करें, तो हम 3 घंटे में सारे पार्क्स आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। बट क्योंकि 11 बजे ये बंद हो जाता है, जिसमें कि हम सिर्फ ग्लो गार्डन और डायनासोर पार्क ही कवर कर पाए और मैजिक पार्क तो विजिट भी नहीं कर पाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शॉट इतना हिलता हुआ क्यों है, दैट्स हाउ इंस्टाग्राम रील्स आर दीज डेज। इतनी सारी गलियां हैं, यहाँ गली है, वहाँ गली है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सब कुछ देखने में इतना इंटरेस्टिंग और इतना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी वंडरलैंड में आ गए और घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हमारे बचपन में ऐसी चीजें क्यों नहीं थी। और यहाँ जाने के बाद आपके अंदर का बचपना एक बार फिर से बाहर आ जाएगा और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल खोल कर इंजॉय करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली हम लोगों ने तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करा। और जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो हमें अपने पेरेंट्स की बातें याद आ रही थी कि हम लोग जब भी उन्हें दुबई में कहीं भी घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो वो लोग इतने खुश होते हैं और इतने इम्प्रेस होते हैं वो अट्रैक्शंस, वो जगहें देख के यहाँ पर, और वो हमेशा एक ही बात भूलते हैं कि तुम लोग इतने खुशकिस्मत हो कि तुम लोगों के ज़माने में ये सब चीज़ें हैं, हमारे ज़माने में तो ये सब कुछ भी नहीं था। तो हम लोग एग्जैक्टली वही सोच रहे थे कि हमारे बचपन में तो ऐसी कोई जगहें नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो कितने खुशकिस्मत हैं कि उन्हें इतनी ब्यूटीफुल अमेजिंग जगहें देखने को मिलती हैं। और बच्चों के लिए आजकल इतनी एक्टिविटीज़, फन, एंटरटेनमेंट, गेम्स, इतने सारे अट्रैक्शंस हैं कि मेरा तो वाकई में दिल कर रहा था कि काश मैं भी इसी ज़माने में पैदा हुई होती।
तो गाइज आप में से जो लोग नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम यूएई के लिए होटल्स, फ्लाइट्स, वीज़ा, ऑटो सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप भी दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और दुबई ग्लो गार्डन की लोकेशन है जबील पार्क, ये जबील पार्क में लोकेटेड है। एंड जबील पार्क वही सेम पार्क है जिसमें दुबई फ्रेम भी लोकेटेड है, मगर ये बहुत बड़ा है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों अट्रैक्शंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। और गाइज ये जो आपको हाथ दिख रहा है ये यहाँ के शेख साहब का सिग्नेचर स्टाइल है। तो गाइज इस पेड़ को देखिए कुछ ज़्यादा है, आपको को लगता है कि आप एवटार मूवी की शूटिंग लोकेशन पर आ गए हैं ना, लगता है ना आपको, कितना ड्रीमी पेड़ है, कितना खूबसूरत पेड़ है। मार्च का एंड शुरू हो गया है यहाँ पे और फिर भी टेम्परेचर इतना अच्छा है, रात में लगता ही नहीं कि आप गर्मी में हो, आप दुबई में हो। यहाँ पे पेड़ हैं इतने खुशबूदार हैं, इतने खुशबू आ रही है। और ये था मेरा फेवरेट पार्ट इन ग्लो गार्डन, ये सारी काफ़ी सारी इस तरह की टनल्स बनी हुई थी जिसमें कि ऐसे लाइटिंग्स और कलर्स चेंज हो रहे थे जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस दे रहे थे। पार्क में एंट्री करते ही राइट साइड में डायनासोर पार्क है और लेफ्ट में आपको दिखेगा ग्लो पार्क। हम लोग पहले डायनासोर पार्क गए थे और उसके बाद फिर हम गए थे ग्लो पार्क, बट हम लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले डायनासोर पार्क जाएं उसके बाद ग्लो गार्डन, बिकॉज डायनासोर पार्क देखने के लिए आप अगर थोड़ा जल्दी जाएंगे तो आप रोशनी में उसको अच्छे से देख पाएंगे, बिकॉज जब हम गए थे तो ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था और ग्लो गार्डन का मज़ा तो अंधेरे में ही है। और ये है फ्लावर वैली सेक्शन, इस तरह के आपको बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस देखने को मिलेंगे ग्लो गार्डन में। इसके पहले आपने वीडियो में देखी होंगी जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बटरफ्लाइज बनी थी, वो पूरा बटरफ्लाई सेक्शन था। अब हम आ गए हैं आर्ट पार्क में, सो दिस इज आर्ट पार्क और ये उतना बड़ा नहीं है, एक छोटा सा ही सेक्शन है। और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को पूरे ग्लो गार्डन में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और क्या आप लोगों की कंट्री में या सिटी में इस तरह की कोई अट्रैक्शन है या आपने अपनी लाइफ में इस तरह की कोई अट्रैक्शन एक्सप्लोर की है। और दुबई में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपको हर जगह पर इतनी ग्रीनरी और इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिलता है, जो कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन है, बट यहाँ की गवर्नमेंट इतना पैसा स्पेंड करती है अपनी सिटी की ब्यूटिफिकेशन के लिए कि आपको हर पार्क में, गार्डन में, घरों के बाहर, स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे, हाईवेज पे, हर जगह ग्रीनरी और फ्लावर्स ही फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। और हाँ गाइज, आपको 9:30 बजे से अनाउंसमेंट सुनाई देगी कि 10 बजे पार्क बंद होने वाला है, जल्दी से बाहर निकल जाइए, तो वो अनाउंसमेंट जबील पार्क के लिए, जो कि एक पब्लिक पार्क है जो 10 बजे बंद हो जाता है। और ग्लो गार्डन के एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए आप जिस मंथ में वहां जा रहे हैं एंटर करते टाइम ही सिक्योरिटी गार्ड से कंफर्म कर लें अबाउट द क्लोजिंग टाइम। और एंड गाइस, तो ये था आज का वीडियो, वी होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर आवर मोटिवेशन, ताकि हम इस तरह की और भी इंफरटेनिंग वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, एंटिल एंड टेक केयर, बाय।